हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको माता की पोशाक बनाना सिखाऊंगी। देखिए, आप 2.25 मीटर कपड़ा लें और उसे बीच में से काट दें। 50% कपड़े को आपको इस स्कर्ट के लिए रखना है और इस पर आप एक गोटा लगा दें। इस स्कर्ट को रेडी करने के बाद आप इस पर ऊपर का ये हिस्सा बनाएं देवी माता के लिए। 14 इंची चौड़ाई लें और 16 इंची इसकी लंबाई लें आप, और इसे यहाँ जॉइंट करके ये सारी प्लेट्स इसमें मार दें। आप 2 कलर का इसके लिए गोटा ला सकती हैं। एक इस गोल्डन वर्क का गोटा लाएं, उसे यहाँ लगा दें और ये माता का हार बना दें उससे। आप एक चिंदी वाला गोटा लाएं और चिंदी वाले गोटे को चारों तरफ इस पर लेस की तरह से लगा दें। अगर आपका कपड़ा नेट का है तो आप इसमें अंदर की तरफ साइड अस्तर भी लगा दें, और इस गोटे को लगाने के बाद नीचे भी आप गोल्डन कलर का गोटा इस पर लगा दें। ये आपका माता का पोशाक रेडी हो जाएगा। माता का पोशाक चढ़ाने के लिए आपको कम से कम 200 रुपये में आप इसे सिलवाती हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना होता। इस तरीके से आप इसके दुपट्टे पर लेसें लगा दें, ये इस तरीके से। और ये 50% वही कपड़ा है, 2.25 मीटर में से 50% का उसको बनाया हमने और आधे कपड़े में से इसको बनाया। इसके साइड से लेके हम उसकी चोली बना देते हैं ऊपर की, और इस तरह से लेस लगा के ये रेडी हो जाता है। ये आप आराम से घर पे बना सकती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें।